जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी विप्र वर्णों से ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अग्नि को प्रज्वलित करने का विचार। बहुत से ब्राह्मणों को देखा है, विद्वानों को देखा है कि अपने हिसाब से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसमें अग्नि शांत हो जाती है तो उसको प्रज्वलित करते हैं। कोई माचिस से करता है, कोई सूप से करता है, कोई वस्त्र से फटकार के करता है। इसका नियम क्या है, किस प्रकार अपने को अग्नि को प्रज्वलित करनी चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। ये यज्ञ मीमांसा का देवी भागवत का उल्लेख है। न पाणी नाम न सुरपेण न च मेध्या जिनादि भी मुखे नो पद्म मेदग्नि मुखा देव व्यजायत। घटके न भेद व्याधि सुरपेण धन्नासनम पाणी न मृत्यु आपनोति कर्म सिद्धिर मुखे मुखे न तु। ये देवी भागवत का उल्लेख है कि यज्ञ अग्नि को न तो हाथ से दहकावे, न सूप से, न पवित्र मृग चरम आदि से, आदि पद से वस्त्र का ग्रहण न करे, किसी वस्त्र से भी न धोके, मुख से ही अग्नि को धोके, क्योंकि वह मुख से उत्पन्न हुआ है। मुखा दग्नि राजा यता है। वस्त्र चरम आदि से अग्नि को धोकने पर व्याधि रोग होता है, सूप से धोकने पर धन नाश होता है, हाथ से धोकने पर मरण होता है, किंतु मुख से धोकने पर कर्म सिद्धि होती है। कात्यायन में दिया है, न कुरिया दग्नि धमनम कुरिया च व्यजना दिना मुखे नेक धमग्नि मुखा मुखा देशो ध्यजायत है। अग्नि में हवन करने की इच्छा हो अथवा हवन हो चुका हो, दोनों ही अवस्था में हाथ सूप यज्ञ पात्र तथा काष्ठ आदि से अग्नि को नहीं धोकना चाहिए, पंखे आदि से भी अग्नि को नहीं धोकना चाहिए। मुख से ही अग्नि को धोकते हैं, प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि ये अग्नि मुख से उत्पन्न हुई हुई है। पद्म पुराण स्वर्ण खंड में लिखा है और कुरुम पुराण उत्तरार्ध में लिखा है। न पक्ष केणो पद्मे न सुरपेण न पाणिना मुखे नाग्नि समिधित मुखा दग्नि रजायत। न पक्ष केणो पद्मे न सुरपेण न पाणिना मुखे नैव धमे दग्नि मुखा दग्नि रजायत। मयूरादि के पंख से निर्मित पंख से सूप से और हाथ से अग्नि को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, मुख से ही अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई हुई है। वस्त्र द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करने से रोग होता है, सूप द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करने से धन क्षय होता है, हस्त द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करने से मृत्यु होती है और मुख द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करने से समस्त प्रकार के कर्मों की सिद्धि होती है।